नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक इनकम टैक्स से रिलेटेड और डिस्कशन लेकर के। मैंने रिसेंटली दो वीडियो बजट से रिलेटेड विषय पर आपके साथ में शेयर करी, मुझे आपका प्रोत्साहन मिला, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के मेरे डिस्कशन में मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में या इनकम टैक्स से रिलेटेड असेसमेंट्स में जो क्रिटिकल रोल है उस पर चर्चा करना चाहता हूं। देखिए क्या है कि जब हम किसी रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन में, हमारे किसी भी रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन में जब रजिस्ट्री होती है, सेल डीड होगी, गिफ्ट डीड होगी, वहां पर जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू असेस करता है और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस रजिस्ट्री में, चाहे वो गिफ्ट डीड हो या रजिस्टर्ड सेल डीड हो, उसमें वो मेंशन करता है। और ये जो मेंशनिंग है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बन जाती है। पर्टिकुलरली इन नंबर ऑफ केसेस इट हैज बीन सीन दैट द रजिस्ट्री वैल्यू इज sometime found higher than the value at which the transaction took place. Take an example. मान लीजिए A ने B को एक property 20 लाख रुपए में बेची। इसका मतलब A B से 20 लाख रुपए लेगा और ये transaction पूरा होगा जब इसकी registered sale deed कर दी जाएगी। registered sale deed में मान लीजिए 22 लाख रुपए value उस समय stamp duty registrar ने अंकित करी कि इस property की value 22 लाख रुपए होनी चाहिए। अब जब वो वैल्यू 2 लाख रुपए ऊपर करके आंक रहा है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ए ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में 22 लाख की चीज 20 लाख रुपए में बेच दी। इसी प्रकार से बी ने प्रॉपर्टी 22 लाख रुपए की 20 लाख रुपए में खरीद ली। अब आप इसका इंपैक्ट देखिए, जब ए ने सरकार की नजर में 22 लाख रुपए की चीज 20 लाख में बेची तो उसने 2 लाख रुपए का कम कैपिटल गेन रिपोर्ट किया तो सेक्शन 50C लागू हो गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, और वो ये कहता है एक हाथ में सेल कंसिडरेशन 20 नहीं 22 से कैपिटल गेन की गणना होगी। अब आ जाते हैं साहब बी पर। बी ने 20 लाख रुपए में 22 लाख की चीज खरीद ली तो बी को भी 2 लाख रुपए इनकम बाय वे ऑफ अदर सोर्स में टैक्स कर दिया जाएगा। तो सेम अमाउंट 2 लाख रुपए जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं थी, वो दो असेसीज के हाथ में 2-2 लाख रुपए करके जुड़ गई सर, और 4 लाख रुपए का एडिशन हो गया इस प्रकार से दो अलग अलग असेसी के हाथ में, एक के हाथ में 2 लाख, एक के हाथ में 2 लाख। इसका मतलब मैसेज क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर की गई रजिस्ट्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। अब यहां अगला क्वेश्चन यह आएगा, क्या ऐसा व्यवहारिक नहीं हो सकता क्या कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर कोई ट्रांजैक्शन हो? बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जैसे ए ने कोई प्रॉपर्टी मेरे एग्जांपल में 22 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की 20 लाख में बेची, क्योंकि फॉर एग्जांपल हो सकता है ये कोई डिस्ट्रेस सेल थी, शायद डिपार्टमेंट डिस्ट्रेस सेल को नहीं मानता है, लेकिन ये ऐसी सेल थी जिसमें मार्केट वैल्यू उस संपत्ति की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से वास्तव में कम थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए का मकान है तो पॉश लोकेशन पे, लेकिन उसके घर के जस्ट पीछे से कोई नाला निकल रहा है जहां से स्मेल आती है। अब ऐसी परिस्थिति में सर वो वैल्यू नहीं अराइव कर सकता, डिराइव कर सकता, जो कि अदरवाइज उस पर्टिकुलर लोकेशन में मिल जाती। अब आप इस चीज की जेन्युइननेस को प्रूव करिए। प्रूव करिए यानी कैसे प्रूव करेंगे सर? मेरा ऐसा मानना है सर, आप इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को क्रिएट करते हुए एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लीजिए हो सके तो, या अगर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट में आपको चैलेंज करता है सर आपने 22 की चीज 20 में भेज दी, तो आप उसके सामने ये फैक्ट्स लाइए एंड देन उस समय डिपार्टमेंटल वैल्यूअर शायद इन बातों को जाकर के कंसिडर करते हुए अगर हुआ तो आपके इस कंटेंशन को मानेगा। यानी ऐसा तो नहीं है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक थंब रूल है, लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक बाय डिफॉल्ट थंब रूल है भी और आप इसको लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि मेरे केस में थंब रूल लागू नहीं होता, तो आप बच सकते हैं, अन्यथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के रेफरेंस से आपका असेसमेंट करेगा। तो यह बात इंपॉर्टेंट रही कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इनकम टैक्स के असेसमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ सर मैं यहां पर तीन सेक्शंस, मैंने दो ऑलरेडी आपके साथ बोले हैं, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, दूसरा सेक्शन 50C और तीसरा है सर सेक्शन 43CA। ये 43CA बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड एक डिस्कशन लेकर के आता है कि यदि कोई बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचता है तो ऐसी परिस्थिति में बिल्डर के बिजनेस प्रॉफिट्स की गणना भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर की जाएगी। अगेन बिल्डर प्रूव करे कि साहब वास्तव में उस संपत्ति की वैल्यू ही कम थी तो वो बच जाएगा, लेकिन अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बिजनेस प्रोविजन के प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेगा। तो सर ये तीन जगह, एक रिसिपिएंट के हाथ में इनकम बाय वे ऑफ अदर सोर्स, दूसरा बिजनेसमैन के हाथ में जब वो सेल कर रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम तो उसके हाथ में बिजनेस प्रोविजन की इनकम, तीसरा यदि कोई व्यक्ति अपनी रियल एस्टेट को बेचता है तो ऐसा बेचान करता है ऐसा सेलर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचता है तो उसके हाथ में कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी। तो मैसेज ये है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर किए गए सेल के ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एडिशन की दृष्टि से एलिजिबल मानता है और ये सारी सूचनाएं सर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिसेस से डिपार्टमेंट तक पहुंचती हैं, लॉफुली पहुंचती हैं और उनको ये इंफॉर्मेशन रहती है कि आपने ट्रांजेक्शन कम पर किया। तो आप ऐसा ध्यान रखें कि जहां तक संभव हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर ट्रांजेक्शन हो, और यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसका लॉजिक उसका रीजनिंग आपके पास में क्लियर हो। हाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा सर, बजट 2018 ने एक व्यवस्था इन प्रावधानों में करी है कि यदि जिस वैल्यू पर आपने ट्रांजेक्शन किया है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 20 लाख पर आपने ट्रांजेक्शन किया, उससे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5% के वेरिएशन में आती है तो कोई एडिशन नहीं किया जाएगा। यानी अगर 20 लाख का एक्चुअल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है और उसका 5% यानी 1 लाख 21 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक वैल्यू आ रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई एडिशन नहीं करेगा। यानी अब ये 5% की रेंज और मान ली गई है, इसके अंदर अंदर अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाती है एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू से तो सरकार कोई वेरिएशन नहीं करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई वेरिएशन नहीं करेगा, अन्यथा वेरिएशन किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से रिलेटेड मेरे दिमाग में थे जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करूं, और यदि आपकी कोई क्वेरी होगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से रिलेटेड तो मैं जरूर उनके ऊपर सफिशिएंटली अपना आंसर देने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।